गाजियाबाद के लोनी में बड़ा हादसा हुआ है। लोनी थाना क्षेत्र के रूप में नगर इंडस्ट्रियल एरिया के पास एक दो मंजिला मकान अचानक जोरदार आवाज के साथ बड़बड़ा कर नीचे आ गिरा। हादसे में मकान में मौजूद लोग उसके मलबे के नीचे दब गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी और चीख पुकार मच गई। आसपास के लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। हादसे की सूचना पर स्थानीय प्रशासन और पुलिस भी मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। मलबे से 7 लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया और अस्पताल में भेजा गया। घायलों में 5 लोगों की हालात बेहद गंभीर बताई जा रही है। तस्वीरों में आप इस जमीन दोज हो चुके मकान को देख सकते हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ चलाया जा रहा है। अचानक ही 2 मंजिला मकान भड़बड़ा कर नीचे आ गिरा, जिससे मकान में मौजूद लोग इस मलबे में दब गए। घटना की सूचना पर पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। तंग गलियों से रेस्क्यू वाहनों को आने में देरी हुई। रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ चलाया जा रहा है। मौके पर जेसीबी मशीन और ट्रैक्टर की मदद से मलबे को हटाया गया और यहाँ मलबे के नीचे दब चुके 7 लोगों को बाहर निकाला गया, जिन अस्पताल भेजा गया। अन्य और लोगों के दबे होने की आशंका में रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है। घायलों में 5 की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। हादसे की तस्वीरें आपके सामने हैं। गाजियाबाद से अंकित गोस्वामी की रिपोर्ट। सर आज हादसा हुआ है, देखिए रूपनगर थाना क्षेत्र लोनी के अंतर्गत ये 2 मंजिला मकान के गिरने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल थाना पुलिस, फायर डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से सभी लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और रेस्क्यू कार्य को इन्होंने कंप्लीट किया। यहाँ से 7 लोगों की 7 लोगों को यहाँ से रेस्क्यू किया गया है। इस रेस्क्यू के उपरांत सभी लोगों को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया और वहाँ से अभी ये सूचना प्राप्त हुई है कि एक लड़के की स्थिति थोड़ी क्रिटिकल है, बाकी सभी लोग सामान्य अवस्था में हैं, स्टेबल अवस्था में हैं। उसके अतिरिक्त एक लड़की की इलाज के दौरान मृत्यु की सूचना अभी प्राप्त हुई है। इसके अतिरिक्त जो भी लोग हैं उनको GTB अस्पताल में जो भी अच्छे से अच्छी इलाज की सुविधा हो सकती है वो उपलब्ध कराएंगे। सर कुल कितने लोग दबे थे इसमें? देखिए यहाँ से टोटल 7 लोगों को रेस्क्यू किया गया। सर क्या मुख्य कारण? हादसे का कारण क्या रहा? देखिए इन कारणों की अभी पूरी गहनता से जानकारी की जाएगी। जो एक दो कारण जो आसपास के लोगों से बातचीत करके पता चल रहा है, कुछ लोगों का कहना है कि सिलेंडर विस्फोट हो सकता है, कुछ लोगों का कहना है कुछ और कारण हो सकता है किसी विस्फोट का, क्योंकि लोगों ने एक आवाज़ सुनी थी। लेकिन इसकी पूरी गहनता से जांच के लिए फील्ड यूनिट की टीम भी बुलाई गई है ताकि कोई ऐसे एविडेंस हो तो वो कलेक्ट किया जा सके और जैसा भी जांच में निकल के आएगा उसके अनुसार आपको सूचित किया जाएगा। सर मकान में पटाखे भी बनाए जाते थे? देखिए जैसे मैंने बताया कि कुछ लोगों के कहने के हिसाब से ये सिलेंडर विस्फोट या कुछ लोगों के कहने के हिसाब से कुछ और इस तरह के कारण हो सकते हैं, इसलिए फील्ड यूनिट की टीम बुलाई गई है ताकि वो सारे अगर कोई ऐसा एविडेंस है उसको कलेक्ट कर सके और इसकी पूरी निष्पक्षता से जाँच की जाएगी और जाँच के उपरांत आपको सूचित किया जाएगा।